जान रहे हैं। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रो पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वौयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मोह चेता यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है, मेरे परम कल्याण का उपाय आप बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो।
दूरेण ह्यवरह कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरण मनुच्च कृपणा फल हेतव। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धो विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्जुन, निष्काम कर्म योग से सकाम कर्म अत्यंत ही तुच्छ है, इसलिए तो निष्काम कर्म कर। तो निष्काम कर्म करने से मन निर्मल होता है और मुझ में परम भक्ति होती है। तो मुझ में परम भक्ति होने से मन की चंचलता दोष दूर हो जाती है और फिर मेरे द्वारा उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कर्म से होने वाले फलम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फिर वो मनीषी माने बुद्धिमान मनुष्य कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मरण रूप बंधन से विशेष रूप से मुक्त होकर के पदम गच्छन्त्य नामयम। जो जन्म मरण रूप आमय है माने रोग है, इस संसार रोग से वो मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो इस ये ज्ञान योग आता है, भक्ति के बाद में ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग से अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान का कार्य नष्ट हो जाता है, तब अनामय पद मिलता है। जहाँ जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन नहीं है उस पद को अनामय पद कहते हैं। आमय कहते हैं रोग को, और जन्म मरण एक रोग है जो संसार में है। तो ये संसार बंधन से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और पद कहते हैं फिर जिस पद को पाकर उस अनामय पद को प्राप्त करके फिर वो पतित नहीं होता, फिर उस अनामय पद से च्युत नहीं होता, मने सदा के लिए जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसका बारंबार जन्म मरण नहीं होता है। पदम गच्छन् जनामयम् यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिर् व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिर् व्यतितरिष्यति, ये मोह रूपी कलिल माने दलदल को जब तेरी बुद्धि पार कर जाएगी। यदा ते मोह कलिलम् बुद्धि संतरिष्यसि तदा गंता से निर्वेगम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। तब तू सुने हुए से और आगे जो सुनने योग्य है उस सब से वैराग्यवान हो जाएगा। तदा गंता से निर्वेगम श्रोतव्य से और श्रुतस्य च। तो यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि।
अर्जुन विविध प्रकार की श्रुतियों के सुनने से तो जो तेरी बुद्धि संशय युक्त विचलित हो गई है, जब एक निश्चय पर पहुंच जाएगी, यदा शासित निश्चला, श्रुति विप्रतिपन्ना तेदा स्थास्यत निश्चला, समाधव अचला बुद्धि तदा योगम वापसी। और समाधि नाम यहाँ जिसमें धीमाने बुद्धि समाहित हो जाए, स्थित हो जाए, ऐसे अपने आत्म तत्व में ही जब तेरी बुद्धि स्थित हो जाएगी, मने अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तब तू जान लेना कि मैं योग को प्राप्त हो गया। ये सांख्य योग है, माने ये ज्ञान योग है। जन्म मृत्यु से रहित अनामय पद को मैं प्राप्त हुआ। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा में बुद्धि की स्थिरता समाधि योग है। अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो, स्थिति किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। हे भगवन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी बुद्धि अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गई है, उसका क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यहाँ भाषा का अर्थ लक्षण है। जिसकी बुद्धि अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गई, निश्चल हो गई, उसका क्या लक्षण है प्रभु, वो मुझको बताओ, मैं कैसे जानूं कि ये आत्म में स्थित बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ से केशव, समाधि में स्थित हुआ जो स्थित प्रज्ञ है, माने आत्मा में स्थित हुआ जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, उसका लक्षण प्रभु मुझसे कहो। स्थित भी किम प्रभासे तो किमासी तो ब्रजेत किम। प्रभु, स्थित बुद्धि पुरुष कैसे तो बैठता है और कैसे चलता है और कैसे वचन बोलता है? स्थित भी किम प्रभासे तो कैसे भाषण करता है, कैसे वचन बोलता है, और किमासी किस प्रकार से वो बैठता है, और ब्रजेत किम, और फिर उसका चलना कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्जुन मनोगतान सर्वान कामान प्रजहात, जब ये स्थित प्रज्ञ मन में आने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है, प्रकृष्ट रूप से विशेष रूप से संपूर्णता से त्याग देता है, प्रजहात
आत्मनेव आत्मना तिष्ठ, और अपनी आत्मा से आत्मा में ही स्थिर होता है। मैंने अपने मन बुद्धि को अपने सचित आनंद स्वरूप आत्मा में ही स्थिर कर लेता है। आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, तब तुम उसको जान लो कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह स्थित प्रज्ञ है। और हे अर्जुन, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना और सुखेषु विगतस्पृहा, वीतरागो भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। हे अर्जुन, दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में अत्यंत वो उद्विग्न मन वाला माने अत्यंत व्याकुल नहीं होता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना और सुखेषु विगतस्पृहा, और सुख भोगों की उसकी कोई स्पृहा नहीं होती है, माने इच्छा नहीं होती है, कामना नहीं होती है। विगत स्प्री है, विगत इच्छा है, जिसकी इच्छाएं चली गई। सुखेषु विगतस्पृहा वीत राग भय क्रोध, और जिसका राग किसी में आसक्ति नहीं है और भय नहीं है और किसी के प्रति क्रोध नहीं है, रजोगुणी तमोगुणी ये सब वृत्तियां शांत हो गई हैं। वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्जुन, तब तुम जानो कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागो भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्तत्प्राप्ते शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, सुख दुख में और सुख दुख के साधनों में विषयों में जिसका किसी प्रकार के हर्ष शोक रहित हो गया है, अनभिस्नेह यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, कहीं शुभ कहीं अशुभ ये तो प्राप्त होते रहते हैं, परंतु शुभ अशुभ में उसका अनभिस्नेह है, स्नेह रहित है। तत्त प्राप्त नाभिनंदति न द्वेष्टि, सुख और सुख के साधन प्राप्त होने पर उनका अभिनंदन नहीं करता है, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, और दुख के साधनों के प्राप्त होने पर कोई द्वेष नहीं करता है। ना अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ऐसा जानना चाहिए। न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि वसर्वशः इन्द्रियाण्येभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, जैसे कछुआ भयस्थान देख करके अपने सारे अंगों को समेट लेता है,
अपने कमठ के भीतर कर लेता है। माने कछुआ की जो पीठ है और नीचे का भाग है वो बहुत कड़ा है, उसके भीतर कछुआ रहता है, इंद्रिय मन बुद्धि सब उसके भीतर है। तो कोई भय दिखाई पड़ा तो वो सारे अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, तो निर्भय हो जाता है। यथा संघर्षे चायम पूर्वो अंगान इव सर्वशः, इसी प्रकार से इंद्रियान इंद्रियाल से भी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इसी प्रकार से जो ज्ञानी महापुरुष है वो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से समेट लेता है, स्थिर कर लेता है। तो श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण ये इंद्रियां हैं, और इनके अर्थ क्या हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांच विषय हैं ये इंद्रियों के अर्थ हैं। इंद्रियान इंद्रिय अर्थेषु, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषयों से इंद्रियों को रोक लिया, आत्मचिंतन में लग गया। तो भय का स्थान खत्म हो गया। जब भय का स्थान तो ये बाहर है, जब कानों से कोई भयंकर शब्द सुनेगा, त्वचा से भयंकर स्पर्श होगा, नेत्रों से कोई भयंकर रूप देखेगा, तभी कोई भय होगा। और जब देखेगा नहीं तो भय क्या होगा? इसलिए जिसने अपने इंद्रियों का संयम कर लिया है, अपनी आत्मा में ही लगा दिया है, क्योंकि इंद्रियों को समेट कर और फिर मन को भी संयम कर लिया है, क्योंकि मन जाता है तो इंद्रियों के द्वारा जाता है। अब जब इंद्रिय रूपी द्वार बंद किए तो मन भी बाहर नहीं जाएगा, तो मन के ऊपर बुद्धि है तो बुद्धि के द्वारा मन का भी संयम कर लिया है। फिर अपनी बुद्धि को अपनी आत्मचिंतन में लगा दिया है, मन को भी आत्मचिंतन में लगा दिया है। इस प्रकार से हे अर्जुन, जो अपने मन को इंद्रियों को बुद्धि को बाहर से समेट कर वो भीतर आत्मचिंतन में लगाता है, क्योंकि आत्मा भीतर है और ये विषय रूप संसार बाहर है। भीतर बाहर का परिच्छेद इस शरीर से होता है। ये शरीर के बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषय रूप संसार है, और शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के भीतर मन है, और मन के भीतर बुद्धि है, फिर बुद्धि के भीतर अपनी आत्मा है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्जुन, इस प्रकार से हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो अत्यंत अंतरतम है, सबसे बाहर संसार मन इस शरीर के बाहर, बाहर भीतर की सीमा इस शरीर से ही है। जब हम आँख कान नाक खोलते हैं तब बाहर संसार है, और जब बंद कर लिया तो बाहर का संसार नहीं है। जैसे कोई घर में बैठा हुआ पुरुष जो दरवाजा खोल के बाहर देखे तो बाहर का संसार दिखाई पड़ेगा, और यदि दरवाजा बंद कर देवे तो
तो बाहर का संसार नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर घर के भीतर देखेगा। इसी प्रकार से शरीर रूपी भवन के ये इंद्रियां क्या हैं? दरवाजा हैं, इंद्रिय द्वार हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे खरछाना। आप देखें विषय बयारी, ते हठ दें कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से इंद्रिय रूपी द्वारों को बंद कर लेने से फिर बाहर का कोई विषय नहीं रहता है। तो इंद्रियां भीतर हैं इस शरीर के, और इंद्रियों के भीतर मन है। उनका मन का क्या स्वरूप है? संकल्प विकल्प आत्म को मना, संकल्प विकल्प इच्छा काम, ये मन का स्वरूप है। क्योंकि नेत्रादि इंद्रियों का विषय तो मन है नहीं, स्थूल तो है नहीं, सूक्ष्म है। इसलिए अपने ज्ञान नेत्रों से ही मन का स्वरूप जाना जा सकता है। नाना प्रकार की जो इच्छाएं करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, इसी को मन का स्वरूप जानना चाहिए। और मन के भी भीतर बुद्धि है। बुद्धि का क्या स्वरूप है? निश्चय आत्मिका बुद्धि, जो निश्चय करती है ये कार्य करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऐसा जो निर्णय देती है वो बुद्धि का स्वरूप है। तो निश्चय आत्मिक बुद्धि होती है, ये इस प्रकार से जानना चाहिए। और बुद्धि के ऊपर अर्जुन, हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा है, और वो अनंत अखंड एक ज्योति है, ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति, जो उदय अस्त रहित है, सदा जगमगाती रहती है, वो आत्मा का स्वरूप है। वही एक ज्ञान ज्योति है जो बुद्धि को भी देखता है, मन को भी देखता है, और इंद्रियों को भी देखता है, और शरीर को भी देखता है, और इंद्रियों के द्वारा शरीर के बाहर को भी देखता है। जैसे दीपक घर के भीतर प्रकाशता है, तो घर में रहने वाले जितने लोग हैं उनको भी प्रकाशता है, घर में रखी हुई वस्तुओं को भी प्रकाशता है, और दरवाजा यदि खुले हों तो दरवाजों के बाहर भी दीपक का प्रकाश जाता है। तो दरवाजे के बाहर सामने यदि कोई चीज रखी होगी तो उनको भी प्रकाश आएगा, और दीपक स्वयं प्रकाश है, और बाकी सब पर प्रकाश हैं। घर, घर में रखी हुई वस्तुएं और घर के बाहर रखी हुई वस्तुएं, वो पर प्रकाश है, माने दीपक के द्वारा प्रकाशित होती है। ऐसे अर्जुन, ये शरीर रूपी घर और बुद्धि और इंद्रियां और मन इस शरीर के घर के भीतर हैं, और इंद्रिय रूपी द्वारों के बाहर ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय रूप संसार है। तो अर्जुन, ये जो चेतन आत्मा हमारा तुम्हारा है, यही एक अनंत अखंड ज्ञान दीपक है। ये ज्ञानात्मा ही बुद्धि को प्रकाशता है, ये शरीर को प्रकाशता है, शरीर के भीतर बुद्धि को प्रकाशता है, मन को भी प्रकाशता है, माने देखता है, जानता है, और इंद्रियों को भी देखता है, और फिर इंद्रियों के इंद्रिय रूपी द्वारों से बाहर जाकर के ये सारे शब्दादि विषयों को भी देखता है, और दूसरा दृष्टा है नहीं। जैसे घर और घर में रखे हुए पदार्थ सब जड़ हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तैसे ही अर्जुन ये शरीर रूपी घर और इंद्रिय मन बुद्धि प्राणादि ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको ज्ञान नहीं है, और बाहर का संसार भी जड़ है, दृश्य है, ज्ञान नहीं है।
यही चैतन्य ज्योति रूप ये जो ज्ञान रूपी दीपक है यही आत्मा है अर्जुन। माने हमारा तुम्हारा स्वरूप ये चैतन्य आत्मा है, ना तो बुद्धि है और न मन है और न इंद्रियां है और न शरीर है और न शरीर के बाहर के कोई पदार्थ है, क्योंकि इनको सबको देखता है। तो जैसे दीपक सबसे अलग होता है, जैसे ही ये ज्ञान रूपी आत्मा इन सबसे अलग है, सबको प्रकाशता है। इस प्रकार से अर्जुन अपनी आत्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वही स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों की विश्व का हर हर महादेव। जो क्या है